मुहिम का असर, आईएनएच 24x7 की मुहिम का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। एमपीसीजी के कई जिलों में हमने स्कूलों की पड़ताल की थी, जिसमें लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चंदली में प्राथमिक स्कूल के शिक्षा व्यवस्था सहित जर्जर स्कूल की पूर्ण खुली थी। इस खबर को आईएनएच 24x7 ने अपने दर्शकों को प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल प्रभाव से सभी स्कूल के प्रधान पाठकों को नोटिस जारी किया। नोटिस में अति जर्जर और डिसमेंटल योग्य स्कूलों की जानकारी 14 जून तक भेजने को कहा, साथ ही स्कूल में कमरे की जानकारी भी मांगी है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जर्जर हो चुके हैं भवन, यहां तक कि स्कूल के आसपास के इलाके भी पूरी तरीके से जर्जर हैं और इसी जर्जर हालात में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हालांकि आईएनएच 24x7 की मुहिम अब असर दिखाने लगी है। इस पूरे मामले में तमाम जर्जर स्कूलों की जानकारी मांगी गई है ताकि इन स्कूलों को बेहतर किया जा सके। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राहुल यादव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राहुल, आईएनएच ने जब खबर दिखाई और अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है, तो स्थानीय लोगों में, छात्रों में खुशी देखी जा रही है, आप वहां बातचीत करते होंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से देखा जाए तो हमारी खबर, आईएनएच की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है। यहाँ पे पालकों को देखा जाए तो पालक भी खुश नजर आ रहे हैं कि आईएनएच की खबर का असर हुआ है और बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ रहा है कि सही खबरों को, बढ़िया खबर जो था, ये इस चीज को हमने प्रमुखता से दिखाया है, जिस वजह से हर्ष का विषय है पालकों में खासकर देखा जाए तो और पूरे जिले में कई ऐसे स्कूल भी है जिसका संज्ञान लिया गया है कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। अगर खबर का असर हुआ, इसी वजह से ही पूरे जिले में जितनी स्कूलें थी उसका अब उद्धार होगा और जीर्णोद्धार होगा। बिल्कुल, तो खबर का असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल यादव। आप नजर बनाए रखिएगा इन स्कूलों में क्या कुछ बदलाव आता है, ताकि देश के बच्चों के भविष्य जो है इन स्कूलों में बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।